फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का भी 6 बज रहा है, मेरा सुबह का काम वाम खत्म हो गया, नहा करके पूजा भी कर लिए हैं। परसों से मेरा एकदम बेटा का तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मेरा मन भी ठीक नहीं है, बहुत परेशानी में है। कैसे करके परेशानी हटेगा वही सोच रहे हैं। जब मन किसी का परेशानी रहता है ना, उसको हटाने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। बर्तन नहीं धोए जा रहे हैं, बर्तन लेंगे। बेटा का तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं, इसलिए कुछ नहीं बनाया, खाली दाल बनाया और आलू कुंदरी का फ्राई किए हैं और कुछ नहीं बनाया। आज का ये मेनू ही है। तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं दवा लेने के लिए। बेटा का भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास आए हैं दवा लेने के लिए। अरे, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहे हैं। माँ बेटा डॉक्टर दिखाएंगे, फिर घर घूम के जाएंगे। आखिर जो गए थे डॉक्टर के पास, घूम के आ गए हम लोग। बेटी रोटी बना के रखी थी, दिन का सब्जी था, उसी में दूध गरम करके उसी में सब कोई खा लिया। कभी अभी सब्जी उब्जी नहीं बनाए हैं, आने में थोड़ा लेट हो गया है। बेटी बर्तन वर्तन भी धो के रखी थी दिन का, कुछ कुछ खाने वाला जो बर्तन। तबीयत ठीक नहीं ना, इसीलिए खाना उना उतना नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, बेटा भी नहीं खाए। बाप बेटी जो खाई थी वो सब बर्तन धो के रख दी थी। डॉगी लोग को जाके खाना दे दिए बाहर में, टॉफी को भी मतलब दूध रोटी दिए, सब कोई खा लिया है। खा लिए थे इसीलिए नींद आ गया था, सो गए थे। बेटी बुलाई, मम्मी ब्लॉग नहीं बनाइएगा, मैंने बनाएंगे। फिर छत के ऊपर आ गए, नीचे अकपकी टाइप का लग रहा था, इसीलिए ना ऊपर आ गए। हवा चल रहा है इधर से, इसीलिए अच्छा लगा। बेटा को भी बुलाए थे, बेटा बोला नहीं, वो सोया सो गया अपने से, मच्छरदानी उन्हें बांध के, कुछ खाया नहीं, सो गया। एक तो मतलब बैगनी खाया, उसी में सो गया। बैगनी खरीद करके लाए थे मार्केट से, बनाया नहीं अभी, वही खा के सो गया। कोरोना काल में उस टाइम जब बुखार हुआ था, बेटा को बोले थे दिखाएंगे वीडियो में, वो वीडियो का सामने नहीं आना चाहता। आज भी बोला ना, वीडियो सब ये सब उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब वीडियो का फोटो भी खींचने नहीं खोजता वो इतना, इसीलिए आप लोग को बेटा को नहीं दिखाते हैं। वो गुस्साता है, बोलता हमको नहीं, उसको पसंद नहीं है कैमरा का आने सामने में आने के लिए, इसीलिए नहीं दिखाते हैं आप लोग को। कभी नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं ये सब चाहता है, नहीं दिखाने खोजता। अपने आपको बोलता हम नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, आप जो कर रहे हैं करिए, हम नहीं दिखाएंगे, नहीं आने खोजता, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखाते हैं। बतलो,
आया है ना, मेरा पैर खा गया था। बैठो बैठो, चुप से बैठो, इसको दवा लगा देंगे बोल के सोचे। इसका शरीर में अपने शरीर ठीक नहीं है तो मन भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए इसका जो काट दिया इसको कल दिन में ना, इसको दवा लगाएंगे सोचे थे, याद नहीं, भूल गए। अभी मेरा साथ नीचे जाएगा तो ना लगा देंगे बेटा को, तो मलम वाला दवा है ना, वही दवा उसको लगा देंगे। की ए पट्टू क्यों रो रहा है? दांत है उसका, शरीर तो इसे, लेकिन दांत बड़ी सुंदर, आंख करता है उसका, आंख देखिए कितना सुंदर है। पतलू पतलू पता नहीं बारिश होगा कि क्या, हवा बहुत तेज से चल रहा है, इधर से हवा बह रहा है, पता नहीं बारिश भी हो सकता रात को। बारिश होगा तो ठीक होगा, दो दिन से बारिश नहीं है, बहुत गर्मी है, थोड़ा बारिश होगा तो आदमी को राहत मिलेगा, शांति मिलेगा, हो सकता है रात को बारिश हो सकता है शायद, देखते हैं। जब से श्रावण महीना घुसा है दिन को कम बारिश होता है, रात को ज़्यादा बारिश होता है, सुबह होते होते छूट जाता है। आज दो दिन से बारिश नहीं है, अभी होगा तो शायद रात को आसमान उधर से गाँव तरफ, हम लोग का बगल में जो गाँव सब है ना, इधर बिजली थोड़ा थोड़ा मतलब कड़क रहा है, और इधर हवा चल रहा है, बारिश हो सकता है शायद। अच्छा से अभी ब्लॉग नहीं दे पा रहे आप लोग को, मेरा बेटा का तबीयत ठीक हो जाएगा, मेरा मन तबीयत सब ठीक हो जाएगा, आप लोग को ब्लॉग अच्छा से दिखाएंगे, देंगे। अभी थोड़ा ऊपर में बैठे, मन इतना गड़बड़ जैसा, पूरा एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, बादल इतना कड़क रहा, बारिश शायद होगा, देखिए हवा चलना अच्छा लग रहा है, शरीर जो पक्की लग रहा था नीचे ना, वो खत्म हो गया, ऊपर आए तो। बच्चा लोग को इतना पढ़ाएंगे लिखाएंगे करेंगे, जॉब नहीं मिलने से भी प्रॉब्लम, बच्चा लोग को पढ़ाइए भी प्रॉब्लम, नहीं पढ़ाने से भी दिक्कत, जॉब तो कहीं मतलब सरकारी जॉब तो बच्चा लोग को कहीं नहीं मिलता है, बेकार बच्चा लोग खाली, मोदी जी खाली बोलते बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए, कहाँ बेटी लोग को जॉब मिलना ना बेटा लोग को जॉब मिलना, खाली पढ़ाइए लिखाइए और कुछ नहीं, उसका बाद जिंदगी पूरा टेंशन भरा और कुछ नहीं। बिजली कड़कने से ना मेरा टॉफी बहुत डरता है, छिप जाता कहाँ पालंग का नीचे, मेरा जो एक डॉगी है बड़ा वाला भूंदू नाम है, वो भी डरता है, जहाँ रहता है वहीं घर उर होता है वो छुप जाता है। पतलू भी जो है ना ये बड़ी डरता है, कांपते रहता है, देखिए अभी से उसको डर हो गया, उसका लेंस जो ना नीचे तरफ हो गया, डॉगी लोग लेंस को ऊपर रखता है वो नीचे करता है, इसे आसमान में जो बिजली नहीं कड़कता उसी पे, अभी आसमान में बिजली कड़क रहा है इसीलिए वो ना चुप्पे से हम लोग का पास में आकर बैठा है। अभी हम लोग चले जाएंगे, वो जाके सीढ़ी में शायद सोएगा, आज उसका मौसी भी नहीं है इसीलिए डर के मारे, देखिए खाली इधर उधर हो रहा है, इसका लेंस पूरा एकदम देखिए दिखाओ सुमा, उसका लेंस देखिए नीचे हो गया, हाँ पूंछ है, पूंछ नीचे तरफ हो गया, सॉरी लेंस बोल दिया है पूंछ, वही मतलब देख रहा है उसका मौसी को, कहीं मौसी है ना क्या, नीचे दिख रहा है मौसी तो अभी नहीं रहता, कभी कभी छत का ऊपर रहता, नहीं तो बगल में एक तो दुकान है ना, उन्हीं के अगर में गेट उठ नहीं, वहाँ पर थोड़ा बरंदा टाइप का है, बरंदा में वो लोग सो जाता है उसका, और एक तो इसी का बड़ा बहन है वो दोनों। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए अच्छा से रहिए, भगवान का आशीर्वाद से मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, गुड नाइट बाय।